सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सब ठीक ही होंगे हो? और अभी मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि गला ना बहुत ख़राब है, तबीयत भी ख़राब हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही है, मतलब बिल्कुल हेल्थ इस लेवल पे जा रही है यहाँ से। इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाएगी। और अभी टाइम हो रहा है 7 PM। हाँ, डैडी बाहर गए हैं, भाईजन भी कुछ सामान लेने बाहर गए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और मम्मा का बाहर है, कबीर भी बाहर है, मतलब घर में ही है। करते हैं मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। कोई नहीं, हो जाएगी अगर आप लोग दुआ करेंगे। और ना एक चीज़ मैं बतानी भूल रही हूँ, फ़ोन चला के दूँ, इसको भी फ़ोन चला के देना है। ओके, पहले तो मैं फ़ोन चला के दूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और इतना नहीं, मेरा गाला ऐसे क्यों, क्या हो गया भाई? पिंपल हो रहा है यहाँ पे, इग्नोर करना बिल्कुल अच्छी तरह से, दिख भी नहीं रहा ना। तो सर नज़र लग जाती है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ना मुझे पिंपल नहीं होते, तो इस वाली में निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया। कबीर को नहीं होते, इसका मतलब कबीर ना बुढ़ा है। हाँ, तो आपको दिखाते हैं घर में क्या हो रहा है। मम्मा यहाँ पर बिछा रही है चादर, और मुझसे ना बोला भी नहीं जा रहा। मम्मा हंस रही है मेरी शक्ल देख के, क्योंकि गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। सही हुआ मम्मा मेरे साथ, गलत गलत हुआ मेरे साथ, सही हुआ क्यों भाई? मम्मा कहती है कि मैं बीमार नहीं होती, और ऊपर से ना मेरी ज़ुबान बहुत चलती है, तो मम्मा कह रही है सही हुआ। सुबह से शांत है बिल्कुल घर। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना। हाय, कितनी गंदी आवाज लग रही है मेरी। गाइस कमेंट करके जरूर बताना हम कैसे लगे, क्योंकि हमारा नया रूप है, अब हम इसी रूप में रहा करेंगे हमेशा के लिए। मैं तो अच्छी लग रही हूँ, मम्मा कैसी लग रही है? गाइस मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मेरी माँ मुझे कह रही है तू घर से निकल जा, तू किसी काम की नहीं है। तू किसी काम की नहीं है, मेरी माँ मर गया। तो हमारा सामान तो आ गया है यहाँ पे, दिखा भी नहीं रहा, यही होता है ना, ये इसका कुछ सामान है। और ये कभी ये गिर जाएगा ऐसे। आइए कोल्ड ड्रिंक और चोकोलावा तो चेक करते हैं। मम्मा ये वाली ना मम्मा की है, इसको चाहिए। एक तो गले इतने खराब हो गए हैं। ये लाया भाईजान अपने लिए बर्गर, कौन सा बर्गर है, चीज, तो ये है बस नॉर्मल चीज बर्गर। वो कह रहा है मेरे लिए पर्सनल लेके आता, जब तूने बोला था मुझे चोकोलावा चाहिए, तो एक तेरा है इसमें और एक मेरा है। तो कबीर ने मुझे ये दिया है, उसके अंदर देख के कमियां, और ये वाला खुद ने ले लिया। अच्छा कबीर पहले ना इसको गर्म करेंगे, ठंडा खाएगा। हाँ, गर्म करने के बाद ही तो निकलेगी। अभी मुझे रखना है ये ओवन के अंदर, बस केयरफुली सब कुछ हो जाए, क्योंकि मैं ना ये काम बड़े उससे करती हूँ,
अब मुझे ये भी नहीं पता कि इसके अंदर हो जाता है क्या, अब एक बताओ मेरे अंदर कैसी अकल है, अवन यूज़ करते हैं और ये तक नहीं पता। अभी पहले देखती हूँ होगा या नहीं, अभी देखते हैं इसको ऑन करके पहले। हो रहा है आराम से, सही हो रहा है, हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने वो रखा था ना, आई थिंक फॉइल पेपर या कुछ ऐसी रखा था, तो इसके अंदर आग लग गई थी एक दिन। किटन क्यों चढ़ गई तू यहाँ पे, हैं ऐवें ही फालतू में। देखते हैं कितनी देर में होगा। मैंने थोड़ी सी और देर के लिए रख दिया, पर कबीर का दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना फिर उसके हिसाब से। ले कबीर जल्दी खा के बता, स्पून लेके आओ ना तेरे लिए, चम्मच ले कबीर जल्दी खा के बता। लग रहा है कबीर टेस्टी है ना, बट तेरे हिसाब से गर्म है, और गर्म मत करियो, बस यही खा ले, मेरा भी हो गया होगा। सब देख रहे हो कितना ज़्यादा चॉकलेटी है, मैंने ही ज़्यादा ओवर मतलब वो कर दिया ना, तो ये ऊपर ऊपर से ज़्यादा फ्लफी हो गया। मैं क्या बनाया आज खाने में, दाल चावल। मुझे तो मना कराया पर डॉक्टर ने चावल खाने के लिए, तो रोटी खा लेना, रोटी के नहीं नहीं मैं तो चावल ही खाऊंगी। नहीं तो रोटी खा लेना। अरे कुछ नहीं होता। अच्छा। ये बताने वाली बात है, हर बीमारी में ऐसे बताएंगे कि चावल मत खाना, पर ऐसा कुछ नहीं है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होने वालों को हो भी जाती है, और जिनसे उम्मीद होती है ना कि इन्हें होगी, उन्हें नहीं होती। थोड़े से करना बस, कड़ी खट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, पहन दो, मेरा गला वैसे खराब हो रहा है। बस 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 बहुत है। किट्टू तूने खा लिया खाना, किट्टू इसे तो हर वक्त चिकन चाहिए, मैंने इसको ब्रेड डाला था शायद खा लिया इसने, घी वाला, घी वाली तो हर चीज़ खाती है ये। देखना छिपकली, एक ये रही और एक इसके ऊपर होगा, ये छत से कनेक्ट होता है ना पाइप, तो यहाँ पे रहती है, और ये रहा कॉकरोच। अरे चल शू, हाँ से गिर गया पीछे, अगरबत्ती से भागते हैं, क्या लॉजिक है हमारे पास, वो है जादुई अगरबत्ती, उससे हर चीज़ भागती है, बस हमारी बिल्ली नहीं भागती। इसको मज़ा आता है उसमें लेट के, क्योंकि मच्छर नहीं लगते ना उसमें। इधर की तरफ से भी गिर जाएगी, वो तो कड़ी है, और इधर से गिर रही है दाल, बहुत बढ़िया प्लेट में लेके आई है। तो हमारी एसी भी ऑन हो गई, और इसके जो ऊपर की है ना डिस्प्ले, ये काम नहीं कर रही, तो बस ऊपर से इसका वो उठा हुआ है एमसी भी, और खुद ही चल रही है, खुद ही मतलब गिराने से उसको बंद हो रही है। टेम्परेचर कितना हो रहा होगा इसका, 16 है, बिल्कुल फुल पे। कैसा लग रहा है खाना, सही है, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। हाँ हमें तो पता ही नहीं था, लेगा तो पता ही नहीं लग रहा है इसकी कितने पे हो गया, बट रिमोट से दिख रहा है कि कितने पे हुआ है। उसको कर देना, मैं बैठ के कैसे खा रही हूँ किस जगह पे। सामने भी देख रही हूँ। ये देखो समझने ना, ये रात मतलब दो तीन दिन पहले ये मेरी उंगली पे ऐसा करके पूरा नखून पीछे मुड़ गया था, और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था, तुमने भी नहीं दिया था ना ध्यान। तुम ध्यान देगे तो मैं भी एक मिनट में लड़ते हो, एक एक मिनट में तो लड़ते हैं, पर देख तो लो कैसा हो गया, इतनी तकड़ी लड़ाई होती है जंग होने वाली है। तो वो तो वीडियो में बनाई थी, ये कैसा पोज बना रही है। मॉर्निंग गाइस, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी हम लोग स्कूल से आए हैं। क्या कहना चाहती हो, हमने स्कूल जाके देखो क्या हो रहा है उधर, कबीर स्कूल में तो ये रोने लगता है, इतना रोया आज, इतना रोया, मेरी क्लास में आके बैठ गया और रोने लगा, दो घंटे में रोने लगता और है, कुछ नहीं 2 घंटे में, उससे भी कम टाइम नहीं, 10 मिनट हुई होगी हमें जाते हुए, मतलब गए हुए स्कूल में, और एकदम रोने लगा फिर खुद ही। घर पर आके मैं जाते हैं ना, वो कौन देखता रहता है, वहाँ पर जाना पड़ना पड़ता है। मैं सोच रही हूँ आज ना मैं बनाऊँगी वेजीज वाला पास्ता, तो मम्मा पास्ता मंगा दो जल्दी। खाने में क्या बना रही हो, खाने में देखते हैं, मैं नहा लूँ जाके। नहीं अब नहा लियो, 1-2 बजे नहा लियो आराम से, रिलैक्स हो गए।
गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है, एसी चला लो ना लो। अच्छा जी, तबीयत खराब हो रही है। नहीं तो वैसे एसी में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती मैं। तो वैसे नहाने में भी बहुत ठंडा लग रहा है पानी। इतनी बुरी हालत हो रही है, पूरा गला जमा पड़ा है गर्म। हाँ ये बात बहुत अच्छी कही आपने। पानी को थोड़ी देर छत पर रख के आ जाओ, खुद ही हो जाएगा। किटन, मम्मा इसे तो नहीं लाई नहीं हमने। किट्टू, ओए किट्टू किट्टू, आलसी सोतड़ एक नंबर की। ये भी को मम्मा की तरह है, आलस में तो है ना मम्मा। मम्मा तो हमेशा बस आलस में रहती है। ऐसे मत करा करो मम्मा, गलत बात होती है। मम्मा मुझे पास्ता बनाना है। 6 बजे उठ रही हूँ और फिर भी मैं सोती रहती हूँ। 6 बजे कौन उठ रहा है? मैं उठती हूँ। क्या करने के लिए? मेरा अलार्म 6 बजे का ही होता है। क्या कहती हूँ 6 बजे उठ के? रूटीन बताओगे अपना? रूटीन शेयर करो अपना सुबह का, 6 बजे वाला। हाँ 6 से पहले उठती हूँ। चलो बताओ। समर पता क्या करता है? हाँ। सुबह उठता है, एक दो इधर उधर को एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करके फिर सो जाता है। ये कुछ नहीं करता, अलार्म लगा के और अलार्म बंद कर देता है बस, और कुछ नहीं होता रहता है। अलार्म अलार्म की सुन लो, एक मेरे मोबाइल में होता है अलार्म, पहले समर के फोन में होता है, फिर समर के ऐसा, फिर तेरे मेरे फोन में होता है, फिर तेरे डैडी के फोन में होता है। नहीं, डैडी के फोन में कौन सा है? उनके में 8 बजे वाला है। हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती है अलार्म की। जल्दी, ओ ये इनकी तरकीब है, मैं समझी अब। मतलब जिस दिन हमारी छुट्टी होती है तो ये अलार्म लगाओ। भाई सो रहे है, ये बंद करना पड़ेगा सोना। ये है कागज, कागज चढ़वा के फोन पे, और छपरी छपरी लोग। इतने का फोन भी नहीं होगा। अच्छा ये देखो, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग जिनकी सोच छोटी है। वो तुम क्या कह रही थी अभी? ये घटिया लोग इनसे बात नहीं करते। मैं बोल रही हूँ, कभी क्यों रोया आज स्कूल जाकर? कभी रोया? नहीं, जाने को तैयार नहीं था। सुबह ही कह रहा था नहीं आज नहीं जाऊंगा, कल तो गए ही नहीं थे। हाँ आज फिर कहने लगा आज नहीं जाऊंगा आज नहीं जाऊंगा, जाना तो पड़ेगा। अगर ये कल को मना करेगा ना तो जाना, मतलब भेजना मत। अच्छा इसकी बात बड़ी करूंगी। हाँ क्यों? बहुत रोता है स्कूल में जाके, फायदा क्या जब रुकता नहीं है अपनी क्लास में, मेरी माँ के बैठ जाएगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बनेगी, थोड़ी देर भी रुकेगा तब भी ठीक है। चाह तेरा फोन ही है 1500 रुपए का है। 15 रुपए उसके मुंह पे आ गई, सच आ गया उसके मुंह पे। ईद के बाद में इतना अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ही अच्छा था। बारिश, पिछले साल बारिश और मतलब गर्मी और सर्दी एक साथ आई थी, तीनों चीज याद है? जब हम गए हुए थे, मुझे याद नहीं। जब क्या कह रहा है बताओ, इसका कोई बर्थडे नहीं बनता है? हमारे बर्थडे फोन भी मिल ले, स्मार्ट वॉच भी मिल ली, वर्ड्स भी मिल ली। भीख मांगने रेडी, फोन दे दो, अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा रेडी, एक बार फोन दे दो और फिर एफजेड मिल ली, सब कुछ मिल ला। एफजेड आपकी है? कोई कोई दिन जा रहा है छीन के, वो हमारी स्कूटी आएगी, हमारी स्कूटी आएगी। आ जाओ यहां पे, जल्दी आओ जल्दी, ओए जल्दी, बदतमीजी मत कर। इसकी ना एक निशानी है इसके यहाँ पे ना, हट जा, परेशान मत कर उसे। देख मैं इस बार में नहीं मनाऊंगा, मनाऊंगी नहीं मैं मम्मा अपना बर्थडे बिल्कुल भी। तो बात करनी, इधर आओ यहाँ पे। कैसे हंस के दिखा रहा है? स्कूल क्यों नहीं रुके तुम? क्यों रो रहे थे स्कूल में, जल्दी बताओ यहाँ पे आके बताओ। क्योंकि मैं जाहिल हूँ। क्या खाने के लिए? तो ये बैग में मैं उसको दे दूंगी, सोफियान को दे दूंगी, ये नायक को दे दूंगी। सोफियान नहीं है मम्मा वो। और सोफियान? सूफी। सूफी। सोफियान। सोफियान। ये कुछ और ही क्या है? बड़ी बात बोल रहा है। तो गाइस यहाँ पे रोस्टिंग ना कुछ ज्यादा ही हद से बाहर चली गई, यहाँ मार पिटाई की नौबत बता रही है। मम्मा मेरे ऐसे कर रही है और मैं मम्मा के ऐसे कर रही हूँ, तो मैं टिक्का को टच कर रही हूँ। टच देख रहे हो कैसे मार रहे हैं? कोई बात नहीं, इज्जत नहीं है घर में बिल्कुल भी। तो इस व्लॉग का ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक
शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट. ओके बाय, टेक केयर.